वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फॉर और नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में हमने फॉर्मूला कंसीडर कर लिया था, क्यू इज इक्वल टू सी वी एंड हियर सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्लियर? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी और इसके एसआई जो यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज फैरड। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज फैरड। और इस फॉर्मूले से अगर यूनिट कैलकुलेट करें तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी में V इज इक्वल टू, वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन अपॉन चार्ज, सो क्यू स्क्वायर अपॉन वर्क। ठीक। सो सी इज डायमेंशन कैलकुलेट करें इसकी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। सो सी इज इक्वल टू चार्ज ए टू टी टू एंड अपॉन वर्क एम वन एल टू टी माइनस टू। सो इन फाइनल एम माइनस वन एल माइनस टू टी माइनस टू और पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर पॉजिटिव टी फॉर ए टू। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्लियर? सो वन फैराड की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? वन फैराड इज इक्वल टू, ये इट मीन्स कोई भी कंडक्टर है उसको वन कूलम चार्ज दे। चार्ज कितना? वन कूलम। और पोटेंशियल कितना जनरेट होना चाहिए? वन वोल्ट। ठीक है, तो वन फैराड इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन वन वोल्ट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। जैसे आपने ओम्स लॉ में टेंथ में पढ़ा है, वी इज प्रोपोर्शनल आई। नहीं? तो यहाँ पे Q और V का अगर ग्राफ देखें, Q और V का ग्राफ देखिए, यहाँ Q और यहाँ V, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पे जो टेन थीटा आपके पास कैलकुलेट होके आएगा वही होगा आपका C। जैसे यहाँ पे ओम्स लॉ में कैलकुलेट किया था V और I का, ये चल नहीं रहा है, दो सौ V और I के लिए कैलकुलेट किया था, क्या आया था V और I के, ये हमने कैलकुलेट किया था, तो ये जो आपके पास आया था वो आया था आर इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो किसके इक्वल आया था? रेजिस्टेंस। बट यहाँ एक बात समझ लेना ध्यान से कि जो वी इज इक्वल टू आई आर है, इसमें आर इज इक्वल टू वी अपॉन जो आई है, जो आर है वो वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान दे लेना। R जो है वो डिपेंड करता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये अपन आगे पढ़ेंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। एल है जो भी कंडक्टर उसकी लेंथ, A है उसका एरिया और रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो R जो है V और I पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूले में आ रहे हैं, बट R जो है इस पे डिपेंड नहीं करेगा V और I पे, वो डिपेंड करता है जो कंडक्टर है उसकी लेंथ पर, उसके एरिया पे और उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ जो कैपेसिटी कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आया है कैपेसिटेंस का, वो Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा, ध्यान दे ले, Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा एरिया पे। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डिपेंड करेगा, जो आगे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये जो कैपेसिटेंस है C, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे R डिपेंड नहीं करता है। पूछा जाता है वाइवा में आपसे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे R V और I पे डिपेंड नहीं करता, वैसे C Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। C डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशंस है, मीडियम पे, एरिया पे जो कंडक्टर है उसका, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फॉर्मूले में आया है बट इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आगे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो ये आप क्लियर कर लेना अच्छे से। इसकी डायमेंशन आ गई, इसका ऐसा यूनिट आ गया, फैराड होता है। फैराडे और फैराड में फर्क है भाई, ध्यान दे लेना। ये फैराड साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका जो आपका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आता है। साइंटिस्ट का जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर किस में लिखते हैं? यूनिट में, कैपिटल। और वो है फैराडे। फैराडे अलग है, ठीक है, और फैराड अलग है। तो फैराड को हम
कंप्लीट जो फैराडे है उसको कंप्लीट लिखते हैं, फैराडे को कैपिटल एफ से लिखते हैं। फैराडे जब भी लिखेंगे तो वो पूरा लिखेंगे ठीक, और इसको लिख देते हैं कैपिटल एफ। वन फैराड क्या होगा, वन फैराड होगा वन कूलाम, कोई भी कंडक्टर है उसको वन कूलाम चार्ज दे और उसका पोटेंशियल जो है वो कितना इंक्रीज हो, वन वोल्ट, तो इसका मतलब वहाँ वन फैराड जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे जनरेट होगी ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना, क्लियर। तो इस तरह से कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ध्यान दे लेना। जो पोटेंशियल था वो भी स्केलर है, उससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब यहाँ भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती और पोटेंशियल में भी डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही थी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में डायरेक्शन मैटर करती, क्लियर है। और यहाँ भी चार्ज क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, कोई वेलोसिटी जनरेट नहीं होती, चार्ज की मूविंग में नहीं रहता है ठीक है। तो जो भी फोर्स आपके पास जो भी फील्ड आएगा वो एक ही फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे क्लियर है ना। तो इस तरह से आगे इसको सोल्व करेंगे आगे जब चैप्टर चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।